दही क्या होगा? ये गैस के बाहर से दही लेकर आए हैं। और ये होगा हमारा तैयार अब बटर पाव। तो गाइस हमारा फेवरेट ब्रेक। सो गाइस फिर से आज की ब्लॉग किचन से शुरुआत हो रही है। और मनीषा ठंड लग रही है। और गाइस देखिए जैकेट चोर, पति का जैकेट चोर चोरी करके पहन रही है। अच्छा सरप्राइज करने के लिए। तो जी अभी शाम के लगभग 8 बज रहे हैं और अभी मैं इनकी कॉफ़ी बंद करवा के मैं बस बिठाया था। फिर ये देखिए आलू के भुजे को कैसे धो रही है। धो ली मैं। मसाले वाला सब्जी बनेगा, थोड़ा सा जीरा मरीच डाल करके। अब बहुत अल्टीमेट बनता है। मसाले वाला नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, मसाला वाला नहीं खाना। और ये किचन में बस लगी रहती है। बस पहले ये बताओ कि मेरा जैकेट पहना कैसे? फिर मैं अपना खोल के ये पहन पूरा मतलब कब्जा कर लिया हुआ है ना। बताइए मेरा जैकेट है तो ऑब्वियसली बात है अच्छा ही लगेगा। पहली बार रेड जैकेट पहनी तो मेरा जैकेट है तो अच्छा ही लगेगा ना। आपका जैकेट इसको कोट को पहनाने में कढ़ाई को तो नहीं चाहिए। कढ़ाई जैकेट कब से पहनने लग गए? इसको ठंडा लग रहा है। बताओ मतलब क्या क्या? ये तो देखिए गर्म कर रहा है नीचे से। बस कढ़ाई में जान होता है। हो गया ये लोग बात करता होगा तो देख लीजिए मतलब इनकी बचपना मतलब कितनी ज्यादा। मैं डालूंगी सारा का सारा। नहीं मैं वीडियो के लिए नहीं लेकिन अच्छा। एक बात बोलना है, पहले बहुत ज्यादा सोचते थे कि ये सब मिला हुआ है सब एक ही घर में होगा। चाकू अरे मैं भी पहले सोचता था कि दरवाजा लोग भी आपस में बात करता होगा। हाँ। हम लोग घर से चले जाएंगे तो उन लोग का मन नहीं लगेगा। हाँ। छोटे छोटे मतलब होते थे हम भी सोचते थे। भाई तेल पीला से सफेद हो गया। देखिए गाइस इसमें तेल था नहीं और ये पता नहीं गर्म करने के बाद तेल कहाँ था। जी अभी तो डाली मेरे सामने। तेल डाले हैं? अच्छा फ्राई की थी पकौड़े उसका? नहीं इसका सारा निकाल लिए थे, गर्म पानी में इतना तेल आ गया। तो गाइस थोड़ा सा भुजिया का तड़का लगा के इतना दूर भागती है कढ़ाई से। नहीं कढ़ाई से दूर नहीं भागते हैं अभी, इसमें पानी खाना। अब बस नहीं भागे ना? अभी भी भागी है थोड़ा सा। भागी तो नहीं ला दी है मनीषा। मैंने बोला था मनीषा जला नहीं है गाइस, ये ऐसे ही खाते हैं। तो अब मैं खाने की तरफ चल रहा हूँ। ये भी खाना पीना ला करके तैयार। क्या बन रहा है आज के सुबह नाश्ता में? आज सुबह मैं बना रही हूँ पाव भाजी। हाँ। पाव भाजी का पहले मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। अच्छा और एक तरफ यहाँ पे पाव भी रखा हुआ है। ये देखिए गाइस पाव भी रखा हुआ है। ये है बटर और सब दिखा ये है दही। दही क्या होगा? ये गैस के बाहर से दही लेकर आए हैं। बटर आप लोग देख सकते हैं ये आज बना। मनीषा से भाजी बननी नहीं थी थोड़ी सी तो मैंने बना दिया भाजी। आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी है। थोड़ा क्या थोड़ा सा ही बना है क्योंकि हम लोग दो ही लोग खाने वाले। हाँ और मैंने बोला कि पाव को मैं सीख लेता हूँ। तो अभी ये जा रहे हैं पाव सीखने के लिए। आप लोग पहले भी देखिए मेरे पाव भाजी बहुत टेस्टी बनाते हैं। हाँ अब पति से बनवाना है तो टेस्टी बनेगा है कि नहीं? आधे पति लोग जानते हो। नहीं सही में टेस्टी बनाते हैं। आपको बताइए कैसा लगा? दिस इज पाव एंड इट इज सिंपली वाओ। तो हम लोग 6 पाव ही लेंगे और ले गया दो दो नहीं आप पहले छह करते हैं उसके बाद से विल सी। आप लोग देखिए पाव को कैसे है इस तवे पे इसको सारे बटर को काटेंगे। देख सकते हैं ये ब्रेड को पाव को कैसे देते हैं इसको बटर डाल रहे हैं सारे फिर पाव को डाल रहे हैं और इसको दोनों तरफ एकदम हल्का हल्का करके सेक रहे हैं। और ये होगा हमारा तैयार अब
पाव भाजी बटर पाव सबसे ज्यादा फेवरेट है। अगर आलू पराठा खाते हैं तो उसके साथ बटर है ना। मेरा बटर स्लिप हो जा रहा है। देखिए बटर कैसे झलझल कर रहा है। सो गाइस, अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाब में दूध दही बटर और ये हरियाणा वैसे अम्बाला पंजाब बॉर्डर पे आ जाता है, लेकिन यहाँ भी पंजाबी पूरा फील आता है आपको और दूध से तो बहुत क्लोज रिश्ता हो जाता है। ये है बटर, इसे ये फेंक दिए हैं दोनों तरफ। ये है मसाला चाकू डाल दिए, ये है बटर। तो गाइज हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट पाव भाजी बनकर हो गया है तैयार और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है ना। सो गाइज मनीषा का अपना अटेंडेंस चल रहा था, वो अपना बिजी थी, फिर मेरे से पूछा कि खाना क्या खाना है, खाना तो बता दो कम से कम। मैंने बोला कि यार खाना तो आज रोज हम लोग वेजिटेबल्स और दाल वगैरह ही खा रहे हैं, आज थोड़ा नॉनवेज ट्राई किया जाए और यहाँ के नॉनवेज कैसे लगते हैं। फिर मैं चिकन लाने के लिए मार्केट जा रहा था, बहुत सारे लोग आप में से नॉनवेज नहीं खाते होंगे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं बना बनाया है चिकन लाने गया क्योंकि बनाने में फिर टाइम नहीं लगता। फिर हाफ फ्राइड मतलब वहाँ से फ्राइड लेकर के आए चिकन और फिर यहाँ पर हल्का कड़ी में उसको हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। और ये देखिए हमारी गली बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है और सारे कॉलोनी बेस्ड, मतलब ये कॉलोनी बहुत ही अच्छी है, बहुत पीस है। गुरुद्वारा साहिब भी बिल्कुल बगल में है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को यहाँ पर। क्या कह रही मंशा? बोलो बोलो वीडियो में। कंप्यूटर क्लास हो रहा है तो मेरे को तो आता है कंप्यूटर क्लास। देखिए गाइस क्लास उधर क्लास उधर अच्छा खासा चल रहा है अपना। MS PowerPoint पेन के बारे में बता रही है, स्लाइड सूटेबल बनाना। सो गाइज आप देख सकते हैं मनीषा यहाँ पे बैठी हुई है बिल्कुल रेडी होकर के, जैसे कि अब मेकअप वाला ब्लॉग बनाने के लिए तैयार है, तो आज ही ये सारा कुछ काम कर रही है और आप लोग देख सकते हैं कि कैसी इनकी शक्ल लग रही है। सो गाइज इसी के साथ अब मार्केट का दौर लग चुका है और मैं शाम को हम लोग मार्केट गए नहीं आज, और मैंने सोचा कि चलो शाम को कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन हम लोगों ने डिनर वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर लिया अपना। इनफैक्ट मैडम साहिबा ने प्रिपेयर किया और मुझे भी बहुत सारा कुछ कुछ ऐसा काम था ऑफिशियल वर्क, तो मैंने उसको भी कंप्लीट किया और मुझे अभी भी करना ही है इनफैक्ट। सो एंडिंग अप विद दिस एंड आई होप कि आप सभी लोग अपना प्यार हमारे इस वीडियो में बनाए रखेंगे और बाकी सारे वीडियोस में भी आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, आप सभी का बहुत हार्दिक आभार। और मेकअप वाला वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, जो हुलिया है कैसे बना ये आप लोगों से शेयर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि हम लोग उस ब्लॉग को भी जल्द से जल्द ला सकें। हाँ जी कुछ कह रही है? नहीं यही बोलने वाली थी कि आप लोग तुझसे कुछ कह रहे थे? नो ओके चंगा। यही बोलने वाली थी कि आप लोग को बताइएगा कैसा लगा मेरा एकदम सिंपल छोटा सा मेकअप दोनों ब्लॉग, आप लोग बताइएगा कैसा लगा और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। जय हिंद।